अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रिंट कैसे करवा सकते हैं C++ से, कि हम लोग डेटा अगर हम लोगों को कोई प्रिंट करवाना है, कोई बात, कोई नंबर, इस तरह से। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग यूज़र से डेटा को इनपुट कैसे कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट डेटा कैसे ले सकते हैं। तो हम लोग, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप फेसबुक की आईडी लॉगिन वगैरह करते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है, इंटर योर ईमेल एड्रेस, फिर वहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस इनपुट करते हो, इंटर योर पासवर्ड, फिर आप अपना पासवर्ड डालते हो, उसके बाद जो है वो चेक करता है कि भाई इस इंटरनेट ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई आईडी रजिस्टर है या नहीं है, और फिर जो आप पासवर्ड डालते हो वो पासवर्ड उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर बना था या नहीं बना था, फिर वो आपको आपका पूरा जो पेज है आपकी आईडी का वो आपको खोल के देता है, सही है। तो बेसिकली जो किसी भी प्रोग्राम का मोटिव होता है ज़्यादातर वो यही होता है कि यूज़र से इनपुट लो डेटा, उस डेटा को प्रोसेस करो, उसके ऊपर वर्क करो, और उसके बाद आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाओ, ठीक है। अक्सर औकात आउटपुट नहीं भी दिखाते, लेकिन मोस्टली जो है वो दिखाते हैं, सही। तो जो फंक्शन C++ के अंदर यूज़ होगा डेटा इनपुट लेने के लिए वो कौन सा है, cin। जैसे इस तरह हुआ है, cin greater than और फिर a, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करवाता है। अच्छा, अब ये वेरिएबल क्या है, इसको आप ऐसे समझ लो कि जिस तरह से हम लोग अपने घर में रहते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से डेटा को भी कोई एलोकेटेड जगहें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली इनको क्या होता है, समझ लो कि ये डेटा का घर होता है वेरिएबल। तो डेटा जो है वो अपने वेरिएबल, मतलब अपने घर में जाके स्टोर हो जाता है, फिर जब हमें उनकी ज़रूरत होती है प्रोग्राम के अंदर तो हम उन वेरिएबल्स की मदद से उस डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ अभी इतना सिंपल रखो। अच्छा, अब डेटा कितनी तरह का होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 छः तरह का हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। अब इसको इस तरह से देख लो कि भाई जिस तरह से सारे के सारे लोग अक्सर डिफरेंट होते हैं ना, तो आप इसको इस तरह से देख लो, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें C++ को बताना पड़ता है कि भाई इस वेरिएबल के अंदर हम लोग ये वाला डेटा स्टोर करेंगे, इस वाले घर के अंदर ये वाला बंदा जाएगा, इस वाले के अंदर ये वाला, इस तरह से, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल दे के समझाओ तो। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहला हमारे पास इंटीजर है, आगे इसकी मेमोरी लिखी भी है वो आप लोग पढ़ लो। इसका कीवर्ड जो है C++ के अंदर वो है int, फिर अगला है फ्लोट, इस तरह से उसका कीवर्ड लिखा हुआ है, सिंपल फ्लोट है। इसके बाद है डबल फ्लोट, उसका है डबल, कैरेक्टर का है 4 char, स्ट्रिंग का सिंपल स्ट्रिंग है, और बूलियन का है बूल, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि ये क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटीजर, जो हमारे पास वो होता है ना, अपना होल नंबर्स होते हैं, 78, 1 lakh, 10,000, इस तरह से, तो वो हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। फ्लोट्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोट हमारे पास होते हैं पॉइंट्स वाले नंबर, डेसिमल, ठीक है, जैसे 23.7, 1009.8, इस तरह से। और इनकी जो मेमोरी होती है, तो इसका मकसद ये होता है कि हम लोग 4 byte से ज़्यादा बड़ा नंबर इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो डबल फ्लोट क्या होता है, वो बेसिकली फ्लोट का जितना मेमोरी लिखी हुई है वो उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसी तरह से कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, सिंगल जो कैरेक्टर्स होते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट्स, फंक्शन सिंबल्स, वो सब आते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक या फिर एंड का सिंबल, इस तरह से। इसके अलावा स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे अगर मैंने कोई इंग्लिश के अंदर कोई डेटा इनपुट करना है, ठीक है, जैसे माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दैट, आई स्टडी हेयर, सही है ये सब। और इसके अलावा बूलियन क्या होता है, बूलियन सिंपल ट्रू या फॉल्स होता है, 0 या 1, जो ज़बान कंप्यूटर समझता है। अब बूलियन के अंदर या तो मैं 0 स्टोर कर सकता हूँ या तो मैं 1 स्टोर कर सकता हूँ। 0 का मतलब होता है फॉल्स, जबकि ट्रू का मतलब होता है 1, सही है। 1 = true एंड 0 = false। इसका कुछ कुछ प्रोग्राम्स में यूज़ होता है बूलियन का और कैरेक्टर का, वो आप लोग आगे देखोगे कि किस तरह से कैसे यूज होता है। अभी सिंपल आज हम लोगों ने देखना है कि सी इन को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है,
जिसके अंदर हम लोगों ने जैसे पहले कल पढ़ा था कि सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखेंगे, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ताकि हमें बार बार एसटीडी कॉलन कॉलन सी इन और सी आउट से पहले ना लिखना पड़े। आफ्टर दैट इंटीजर मेन, जो कि हमारी मेन प्रोग्राम की बॉडी है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे यूज़र से हम लोगों ने काम करवाना होता है, तो क्या होता है कि भाई उसको पता चलना चाहिए कि ये प्रोग्राम का बेसिकली मोटिव क्या है, इस प्रोग्राम का काम क्या है। अब अगर जैसे कि मैं अगर ये चीज़ हटा दूँ, ये वाली लाइन, जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि भाई तुम दो नंबर इनपुट करो और आउटपुट में तुम्हें क्या मिलेगा, उन दो नंबर का एडिशन, उन दो नंबर्स को प्लस करके तुम्हें आउटपुट में मिलेगा। अब अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ तो भाई अब वो जो सामने यूज़र होगा जब वो इस चीज़ को रन करेगा तो उसे तो पता ही नहीं क्या करना है। देखो कहीं पर कुछ लिखा हुआ है इंटर टू नंबर्स और इस तरह से नहीं आ रहा। तो यूज़र को बताने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई आपने क्या करना है, दो नंबर्स को इनपुट एंटर करना है, सही है, इंटर दो टू नंबर्स। एक सेकेंड, अच्छा ये जो मैंने ये कॉलन डाला हुआ है ये लाजमी तो नहीं है, लेकिन बस आप लोग ये समझ लो कि अच्छा दिखाने के लिए, अपने काम को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। अच्छा इसके बाद भाई देखो मुझे बताया कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स या तो इंटीजर होगा या तो फ्लोट होगा, जैसे मैंने बताया होल नंबर या पॉइंट वाले नंबर। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया है, आपकी मर्ज़ी आप फ्लोट लेके काम करो, सही है। अच्छा अब क्या है, इंटीजर ए कॉमा बी। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटीजर ए को एक लाइन में डिक्लेयर करें, इंटीजर बी को दूसरी लाइन में डिक्लेयर करें। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर एक स्लॉट बना लिया, एक जगह बना ली ए नाम की, जिसके अंदर कौन सा डेटा जाएगा, इंटीजर। सिमिलरली हम लोगों ने एक बी नाम की जगह बना ली जिसके अंदर कौन सा डेटा जाएगा, इंटीजर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इंटीजर लिख दें और हम लोग इंटर में क्या इनपुट में क्या लिखें, माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दैट, इस तरह से नहीं होता। इंटीजर लिखा है तो आप इंटीजर ही इनपुट करोगे, स्ट्रिंग लिखा है तो आप स्ट्रिंग ही इनपुट करोगे, सही है। तो ये चीज़ हमें पता होती है जब भी कोई प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है कि भाई मैंने अब ये वाला डेटा इनपुट लेना है, अब ये वाला डेटा इनपुट लेना है, तो इस हिसाब से जो है वो पूरी प्रोग्रामिंग होती है। आपको पहले से पता होता है कि भाई मैंने ये काम करना है। अच्छा अब इसको मैं अलग अलग लाइन में कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे मैंने इंटीजर ए किया, इंटीजर स्पेस बी, अभी भी बिल्कुल मेरे पास सही वर्किंग होगी, लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए कि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैंने इसको इस तरह से एक लाइन में कर दिया। इस कॉमा का मतलब होता है कि भाई ये ए तक एक बात ख़त्म हो गई, अब बी क्या है, दूसरी चीज़ है, ठीक है, मतलब ये दो एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहा है। अच्छा अब क्या है, सी इन ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट लो यूज़र से, यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा उसको ए में स्टोर कर दो, सिमिलरली इनपुट लो यूज़र से और उसको बी में स्टोर कर दो। अब इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, मैं इसको एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, अभी भी ये बिल्कुल सही ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस से मिटा देता हूँ, और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी आउट लेस देन। अच्छा ये बात याद रखना है कि सी आउट के साथ जो है वो लेस देन का साइन है और सी इन के साथ ग्रेटर देन का साइन। तो सी आउट के साथ क्या हो गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज, दोबारा से कॉलन खूबसूरती के लिए, ए प्लस बी। अच्छा अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं भाई, वो मुझे क्या बोल रहे हैं कि भाई दो नंबर्स को इनपुट करो। पहले मैंने लिखा 5, अब मेरी मर्ज़ी मैं या तो इंटर दबाऊँ या तो स्पेस दबाऊँ, ठीक है, इंटर। अब 8 डाला मैंने, 5 और 8 का सम कितना आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 13। तो ये बेसिकली जो है वो मुझे फ़ायदा मिलता है, सही है। अब क्या किया, सबसे पहले जो है वो उसने दो नंबर्स इनपुट लिए, उसके बाद उसने बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 13, उसने मुझे बता दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास काम था। अब मैं इसको और भी तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ, और भी तरह से मैं इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट ले सकता हूँ, तो वो मैं आपको अभी बता दूँ। अच्छा तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से हम लोग दो नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब आप लोग जो हो वो डेटा को, अपने प्रोग्राम को, सब चीज़ों को अलग अलग तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि इंटीजर ए कॉमा बी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं
कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, बस जहाँ पे मैं वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सी इन के साथ ए को यूज़ कर लिया इससे पहले करने। अब अगर मैं इसको जो है वो उठाऊँ और सी इन जहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया ए और बी को, उसके बाद अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये नहीं चलेगा, ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं होता कि वो देखिएगा फिर पीछे आएगा फिर इस तरह से। तो उसको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ए और बी ये चीज़ हैं, उसके बाद मैं ए और बी को यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब वही पुराना प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या किया मैंने, सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए कॉमा बी, मेरी मर्ज़ी मैं जैसे करूँ। सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसने फर्स्ट नंबर का इनपुट लिया, इंटर सेकंड नंबर, फिर सेकंड नंबर का इनपुट लिया। पहले क्या था, दोनों नंबर का एक साथ इनपुट था, और अब क्या है, दोनों नंबर्स का अलग अलग इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिसेंट वे के अंदर जो है वो आउटपुट दिखाया हुआ है, सम ऑफ ए, ए की जगह पे यूज़र जो भी लिखेगा, जैसे 7 लिखेगा तो 7 स्टोर 7 प्रिंट हुआ हुआ आएगा, बी की जगह पे 3 लिखेगा तो 3 लिखा हुआ आएगा, और ए प्लस बी की जगह पे 10 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर रन करें तो सबसे पहले क्या हो गया, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, तो क्या आ गया, सम ऑफ 7 एंड 3 इज इक्वल्स टू 10, सही है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ एक सीखी कि हम लोग अलग अलग तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये सोच सकते हो कि भाई मैंने ए को जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्यों नहीं लिखा, अगर मैं ए को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दूंगा तो मेरे पास सिंपल ए प्रिंट हो जाएगा, ए के जगह पे जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट देगा वो प्रिंट नहीं होगा। तो डेटा को जो यूज़र इनपुट दे, मतलब सिंपली एक वेरिएबल को प्रिंट हम लोग इस तरह से करवाते हैं, लेस देन के बाद बग़ैर इन्वर्टेड कॉमास के, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है वो इन दोनों का सम प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा, लेस देन के बाद अलग से लिखा है। ये मुझे एज इट इज़ प्रिंट करवाना है इक्वल्स टू, तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, एंड मुझे एज इट इज़ करवाना है तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, सही है। तो इस तरह से, और इसी तरह से इसका तीसरा वर्जन भी आप लोग देख सकते हो कि इंटीजर ए कॉमा बी, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर सी इन। अब मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में क्यों ले लिया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन डालता हूँ, सही है, तो क्या होता है हमारे पास अपना ये, इसके बाद जो है वो कंप्यूटर के लिए एक नेक्स्ट लाइन हो जाती है। अब मेरी मर्ज़ी है भाई कि मैं इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐसे लिखूँ या मैं इसको उसी के आगे लिख दूँ, तो यूजुअली आपकी जैसे मर्ज़ी आप वैसे कर सकते हो, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, बस आपकी प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स हैं जो भी है आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो, सारी बात इस पर है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने किस तरह से आउटपुट दिखाया है, सी आउट ए, सबसे पहले जो यूज़र ए के अंदर वैल्यू लिखेगा वो, उसके बाद प्लस का निशान आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद जो है वो उनका सम। अच्छा, अब ये किस तरह से होगा, अब मैं F9 दबाऊंगा, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 53, सेकंड नंबर मैंने लिखा 7, तो इसने क्या दिखाया, 53 प्लस 7 इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग अलग अलग तरह से कोडिंग कर सकते हो। ए के प्रोग्राम में आपने देखा कि दो नंबर को लिया और उसको ऐड कर दिया, लेकिन उसका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, उसको मैंने किस तरह से एक्सप्रेस किया है वो अलग है। तो ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, आप लोगों को जिस तरह से समझ में है। और हाँ, एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ सी, उसके बाद मैंने यहाँ पर ए और बी में से इनपुट ले लिया कि सी इन ए, ए के अंदर यूज़र ने फर्स्ट जो है वो नंबर इंस्टॉल कर दिया, इनपुट कर दिया, और बी के अंदर जो है वो सेकंड। अब क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि भाई सी के अंदर ए और बी को ऐड करके स्टोर कर दो। अगर यूज़र ने ए और बी 53 और 7 डाला है तो सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 53 प्लस 7 विच इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पर ए प्लस बी पूरा लिखने के बजाय मैं सिंपल सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर F9 करता हूँ, 53 फर्स्ट नंबर आ गया, 7 आ गया, 53 प्लस 7 इक्वल टू 60, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली सी की जगह पे क्या वैल्यू थी, ए और बी का सम, वो मैं पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। ये क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल डेफिनेशन, कि इस वेरिएबल का ये ही काम होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोग इस तरह से दूसरे प्रोग्राम्स बनाओ और ख़ुद प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो, दो नंबर्स को डिवाइड करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए तो ये स्टैटिक वाला निशान यूज़ होगा, ये डिवाइड हो गया,
तो आप लोग ये ट्राई करो अलग अलग तरह से, कोई मसला होता है आप लोग दिखा भी सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी दे मैंने। और अब बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं क्या पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।